इस तरह के तमाम नृत्यों के जरिए आप समझिए कहानी कि अयोध्या को किस तरह से बदलाव अयोध्या ने देखा है पिछले कुछ सालों में, किस कदर पवन पुत्र यहाँ पर विराजमान हैं और झांकी को लेकर चल रहे हैं। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, रामचरितमानस के ये दोहे दीपोत्सव में चार चांद लगा रहे हैं। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि ना दूजा। इस वीरों से समझाऊं मैं आपको तो यहाँ झांकियां निकल रही हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है या सूचना विभाग है उसकी तमाम झांकियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जिसमें लिखा है यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि भव्य दीपोत्सव यहाँ की अब पहचान बन गया है। इस झांकी पर आप नजर डालें तो देखेंगे किस कदर पवन पुत्र यहाँ पर विराजमान हैं और झांकी को लेकर चल रहे हैं। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, रामचरितमानस के ये दोहे दीपोत्सव में चार चांद लगा रहे हैं और पीछे ये जो ढोल वादन है वो अपने आप में किस तरह का नृत्य यहाँ पर जो है जो ये छात्राएं हैं यहाँ पर कर रही हैं। ये कौन सा नृत्य आप लोग कर रहे हैं? देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तरीके के लोग बाहर से आए हैं, अन्य राज्यों से आए हैं, अन्य जो जिले हैं वहां से आए हैं। अब एक और झांकी से आपको रूबरू कराऊंगा मैं, आप मेरे साथ यहाँ आइए और देखिए एक और यहाँ पर झांकी है। यहाँ पर जो भगवान शिव है उनका रुद्राभिषेक कर रहे हैं श्री रामचंद्र, वो तस्वीर आप देखिए इस झांकी के जरिए किस तरह के मनमोहक दृश्य यहाँ देखने को मिल रहे हैं और किस तरह से यहाँ रावण वध जिस तरह से लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि ना दूजा। इस तरह के रामचरितमानस के जो दोहे हैं वो जीवंत कर रहे हैं इन झांकियों को। और ये जो ध्वज कौन से कहां से आए आप? अयोध्या। अयोध्या से आए। खुशी इस वक्त चेहरों पर है, मुस्कुराते चेहरे इठलाते कदम, ये नृत्य ये बता रहे हैं कि जो 500 साल का लंबा इंतजार था वो अब खत्म हुआ है, रामचंद्र अपने महल में वापस लौट गए हैं। तस्वीरें आगे की दिखाएंगे आपको, यहाँ से चलकर अगली झांकी की ओर लेकर चलेंगे। और अगली झांकी आप देखिए वो पुष्पक विमान जो था तो लंकेश का या यूं कहे पहले कुबेर का, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से वापसी होती है अयोध्या में और देखिए श्री रामचंद्र लक्ष्मण सब विराजमान इस पुष्पक विमान में हैं और ये उस वक्त का दौर है जब युद्ध जीतने के बाद वापसी होती है। किस तरह से दीपोत्सव प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि को कीन्हा, पुनि सब विप्रन आयुष दीना, बड़ा बड़ा दीपोत्सव यहाँ लिखा है, दिए का पोस्टर लगा हुआ है और इस तरह का नृत्य यहाँ पर भी हो रहा है। ये कौन सा नृत्य है? तिवारी नेत्र। कहाँ से आए आप? बांदा से। कहाँ से? बांदा, बांदा बुंदेलखंड। देखिए बुंदेलखंड के ये कलाकार हैं और ये देखिए ढोल भी बजाना हो रहा है, ढोल बजाना हो रही है और किस तरह से नृत्य यहाँ पर कर रहे हैं। ये अनोखे नजारे आपको केवल दीपोत्सव के दिन इन झांकियों में अयोध्या में देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं इस तरह के तमाम नृत्यों के जरिए आप समझिए कहानी कि अयोध्या को किस तरह से बदलाव अयोध्या ने देखा है पिछले कुछ सालों में। दीपोत्सव जब से शुरू हुआ तब से सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी अयोध्या में जोर दिया गया, जिसका प्रतिबिंब आज देखा जा सकता है। ये एक और झांकी आपको दिखा रहा हूँ जहाँ गुरु वशिष्ठ से बालक राम, शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और ये वो तस्वीर है। और यहाँ बड़े बड़े नगाड़े हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको बड़े बड़े नगाड़े कैमरामैन संदीप दिखाएंगे। ये देखिए केवल ध्वनि सुनिए, ये जो ध्वनि है ये बहुत कुछ कह रही है। ये ढोल, ये मंजीरा, ये सब बता रहा है कि अयोध्या किस तरह से इस वक्त खुशी से लबरेज है। आगे आएंगे और दिखाएंगे आपको अन्य नृत्य यहाँ से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए ये अलग अलग तरह के नृत्य बाहर के गाय कलाकार हैं। आप लोग कहाँ से आए? अयोध्या से। अयोध्या से ही है। कौन से नृत्य? ये बधावा नृत्य है। ये देखिए अलग अलग तरह के नृत्य हैं, किस तरह से जब एक तरह से महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं और स्वागत कर रही हैं रामचंद्र का, क्योंकि दीपोत्सव एक त्योहार है। ये बताने की प्रक्रिया है, ये बताने की प्रक्रिया है कि जब लंका विजय प्राप्त करने के बाद रामचंद्र वापस लौटे थे तब यहाँ का क्या माहौल था, उसी माहौल का प्रतिबिंब आप आज देख। कहाँ से आए यहाँ? अयोध्या के। अयोध्या से ही है। कौन सा नृत्य कर रहे हैं? ये फरवाही लोक नृत्य। ओके, तो देखिए अलग अलग तरह के नृत्य हैं। एक और झांकी आपको मैं दिखाऊंगा पीछे, किस तरह से मानवता का अभूत सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये देखिए राम सीता का विवाह है, ये वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ झांकी में किस तरीके से यहाँ पर। ये देखिए एक और नृत्य यहाँ पर दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए यहाँ पर किस तरह से। आप लोग कहाँ से आए?
हम लोग उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा से आए हैं, तो उड़ीसा के कलाकार, सोचिए केवल जिले या राज्य तक सीमित नहीं, उड़ीसा से कलाकार यहाँ पहुंचे हैं और ये अलग तरीके का नृत्य यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये देखिए, ये थोड़ा सा नयापन है, अलग अलग राज्यों से आए ये कलाकार, कहीं ना कहीं जो 500 वर्ष के इंतजार के बाद एक प्रकाश की लौ जली है, उस अग्नि में कहें या उस हवन में आहुति देने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी का नजारा आपको इस तरह के नृत्यों में दिखाई पड़ रहा है कि उड़ीसा से आए कलाकार भी तमाम तरीके के नृत्य कर श्री राम का स्वागत कर रहे हैं। और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं झांकी की अगली तस्वीर। अगली तस्वीर आती है जहां पर आप देखिए वनवास हुआ है, यानी कि राम सीता और लक्ष्मण को वनवास हुआ है, ये उसकी तस्वीर है। और उसकी तस्वीर को यहाँ बयां किया गया है, राजा दशरथ ने कैकेयी को जिस तरह से वो वादा किया उसको निभाने के लिए रामचंद्र यहाँ चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए।